नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। मध्य प्रदेश में कल 30 अप्रैल से प्रदेश के करीब 30% कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। सरकारी दफ्तरों में कल से कामकाज शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में एक दिन में 172 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या 2510 हो गई है, जबकि अब तक 128 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 2368 हो गया है। इसमें सबसे अधिक 1372 मरीज इंदौर में हैं, जबकि भोपाल में 422 संक्रमित हैं। इसके अलावा उज्जैन में भी संक्रमितों का आंकड़ा 123 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा 117 पर पहुंच गया है। इनमें से सबसे अधिक 63 मौत इंदौर में हुई है। इस बीच राहत की खबर ये है कि एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से कमी आई है। इंदौर में संक्रमण का आंकड़ा 50% की दर से कम हुआ है, वहीं पूरे प्रदेश में संक्रमण 30% तक की कमी आई है। हालांकि मौत के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,435 पहुँच गई है। एक दिन में 1543 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 684 लोग ठीक भी हुए हैं। इस प्रकार अब तक 6,864 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अच्छी खबर है कि हमारे देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़ी है, जो 23.3 हो गई है। इसके अलावा देश में 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया। फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज मुंबई में निधन हो गया। वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहें और सुरक्षित रहें।